मैं हूं स्वाति और मेरे YouTube चैनल with me में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो किस बारे में है जैसा कि आप सभी को पता है कल हरिताली का तीज है छत्तीसगढ़ के त्योहारों की काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी शेयर की हैं मेरे चैनल पर तो उसी सीरीज़ में ये एक रेसिपी प्लस व्रत वाला ब्लॉग है तो इसमें मैं शेयर करूंगी आपसे एक रेसिपी भरवा करेले की ठीक है अब वो क्यों करूंगी उसका तीज से क्या संबंध है तीज का जो फास्ट है वो निर्जला रखा जाता है पानी भी नहीं पिया जाता है और ये छत्तीसगढ़ के लेडीज़ का स्पेशली सुहागन लेडीज़ का सबसे बड़ा व्रत सबसे बड़ा आ, सुहाग वाला त्यौहार कह सकते हैं आप तो निर्जला रखने की वजह से होता क्या है सिर दर्द तबीयत खराब वॉमिटेश और मेनली उसका रीज़न होता है एसिडिटी। तो एंटासिड चीज़ें अगर हम पहले खा लें तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी हद तक हम जो तीज के जो साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं उनसे हम बच सकते हैं कई लोग तो पूरा पूरा व्रत भी नहीं रख पाते हैं वो एक्चुअली ट्वेंटी फ़ोर टू थर्टी सिक्स आवर्स का व्रत हो जाता है जब तक टूटता है तब तक, तक, तक इतने घंटे हो जाते हैं पर ये एक्चुअली बहुत मुश्किल काम है सबकी बॉडी साथ नहीं देती है तो इसलिए उसके एक दिन पहले जो डिनर किया जाता है उसमें खीरा बहुत सारा और करेले की सब्जी मतलब जो चीज़ें एसिडिटी कम करती हैं ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं और इसे बोला जाता है करू भात करू क्योंकि करेला जो है वो कड़वा होता है ठीक है तो मैं आपको करेले की रेसिपी बताऊंगी और किस तरह से हरी ताली का तेज का व्रत शुरू करते हैं ये बताऊंगी तो आप मेरे साथ बने रहिए स्टेट ट्यून विथ मी आइए देखते हैं तो चलिए चलते हैं मेरे किचन गार्डन में क्योंकि करू भात के लिए जो करेले बनाने हैं वो तोड़ना भी तो है अपने लिए एक सब्जी के हिसाब से करेले ले लिए हैं उन्हें छील के अच्छे से वॉश कर लिया है और बीच में एक स्लिट करके कट लगा के उसे बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है इसे हम ज़्यादा देर बॉईल नहीं करेंगे बस तीन से चार मिनट और बॉईल होने के बाद ये हमने छन्नी से छान लिया है अब बनाएंगे इसके लिए मसाले तो इसमें हमने लिया है थोड़े से लहसुन और प्याज उसको ग्राइंड करके मैंने एक बोल में ले लिया है और अब मैं इसमें मिला दूंगी सारे मसाले तो सबसे पहले नमक उसके बाद मैंने मिलाएगी यहाँ पे हल्दी ये रहा मेरा मसाले का डिब्बा मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं धनिया पाउडर मैं थोड़े ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है और जो दानेदार मसाला होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है और मैंने डाला है गरम मसाला और फिर उसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर मसाला तैयार है अब हमने आलू को भी पतले पतले काट लिए हैं और इसे हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया है जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हमारे करेले जो ठंडे हो चुके हैं उनमें अच्छे से इन मसालों को फिल कर देंगे तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे करेलों में मसाले फिल कर दिए हैं और अब देखते हैं कि हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छा कलर आ चुका है तो उसे निकाल लेंगे और जो बचे हुए मसाले हैं उसी में मैंने उसको डाल दिया है और अब हमने सारे करेले जो बचा हुआ तेल था उसी में डाल दिया था और अच्छे से फ्राई हो गए थे जब आधे से ज़्यादा तब आलू भी डाल दिए और ये देखिए इस तरह का कलर आने तक के इसको मैंने सेका है तो ये बहुत ही ईजी तरीका है और ये रहा मेरा करू भात की थाली मैं डायबिटिक हूँ इसलिए मैं मिलेट डाइट पे हूँ और मैं ये खा रही हूँ आप अपनी नॉर्मल व्हीट रोटी राइस खा सकते हैं मेरा तो ये कोदो मिलेट होता है आप वाइट राइस के साथ खा सकते हैं जीरा राइस मतलब त्यौहार के हिसाब से या अगर आपने पुलाव बनाया है पराठे बनाए हैं पूरी बनाई है किसी भी चीज़ के साथ में आप खाएंगे तो आज के दिन करेला खीरा ये जरूर खाया जाता है ताकि आपको एसिडिटी ना हो तो मेरा भी ये भात आज हो गया और इसके बाद जब बारह बजे तो मैंने एक दिया अगरबत्ती लगा कर और अपना उपवास शुरू कर लिया तो आप सभी को भी हरिताली का तेज की बहुत बहुत बधाई आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि और भी त्यौहार अभी आ रहे हैं धन्यवाद